हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे कल से हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट की। तो आज हम मॉक टेस्ट 10 जो है प्री मॉक टेस्ट 10 वो डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। यानी कि कोई भी बुरी परिस्थिति है, खराब समय है, वो रहेगा नहीं। ठीक है, एक बार क्या हुआ, राजा अकबर ने अपने जो उनके एक सलाहकार थे बीरबल, जिनके बारे में हम सबने बहुत ज़्यादा जानते हैं कि कितने बुद्धिमान थे, उनसे कहा कि बीरबल मुझे कोई ऐसी बात मेरी दीवार पे लिखो कि अगर मैं खुश हूँ तो मैं दुखी हो जाऊँ उसको देख के, और अगर मैं दुखी हूँ तो उस बात को देख के मैं खुश हो जाऊँ। तो बीरबल ने दीवार पे लिख दिया ये समय नहीं रहेगा। तो उससे क्या हुआ, जब वो खुश होते थे और दीवार पे देखते थे तो उनके सामने आता था ये समय नहीं रहेगा, यानी कि आपकी ये खुशी नहीं रहेगी, कल हो सकता है ना रहे, थोड़े अगले पल ना रहे। और जब वो दुखी होते थे तब उसको देख के उनको थोड़ा हौसला मिलता था कि ये बुरा वक्त भी चला जाएगा, ये बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। तो ये पल हमेशा नहीं रहेगा, ये उन्होंने उनकी दीवार पे लिख दिया। दैट मीन्स आपका अगर आज खराब परिस्थिति है तो हमेशा नहीं रहने वाली, लेकिन आप उन परिस्थितियों से कैसे जूझते हैं वो हमेशा आपके साथ रहेगा। राइट, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए खराब से खराब परिस्थिति से कठिन परिस्थिति से जूझने के लिए, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाएंगी, आप निखर कर एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ में उभर कर सामने आएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट दिया है एक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक इस स्टेटमेंट को फिर आगे कुछ पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, ए बी सी और डी। तो अगर तो इन तीनों पार्ट्स में कोई एरर है तो आपको वो सिलेक्ट करना है, और अगर कोई भी एरर नहीं है तो आपको नो एरर पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, आर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल टूल्स फॉर फाइंडिंग एंड ईट फूड एंड हेल्पिंग अस नेविगेट द वर्ल्ड। अब देखो, एंड कंजक्शन का यूज किया गया है, ठीक है, दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए, इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब एंड का प्रयोग जब करते हैं दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए, तो दैट मीन जिन पार्ट्स को वो जोड़ रहा है वो दोनों एक ही फॉर्म में होने चाहिए, पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट पार्टिसिपल में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, जो भी टेंस में है, जो भी फॉर्म में है वो सेम ही होएगा। तो यहां पे देखो फाइंडिंग, ठीक है, फाइंडिंग क्या बोल रहा है कि ये जेरंड फॉर्म में है, तो आगे इसको अगर हम यूज करेंगे ईट, तो ईट भी किस फॉर्म में होना चाहिए, ईटिंग, यानी कि हमारे हाथ खाना ढूंढने के, खाना खाने के, और हमें दुनिया घूमने के लिए, दुनिया को नेविगेट करने के लिए बहुत क्रूशियल टूल्स हैं। ठीक है, सो ईट की बजाय क्या आएगा, ईटिंग। सो फर्स्ट देखते हैं टूल्स फॉर फाइंडिंग एंड ईट फूड। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, ईट की बजाय क्या आएगा, ईटिंग आएगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई कैन हियर द बैंड विच इज प्लेइंग पेट्रियोटिक ट्यून्स इन द प्लेग्राउंड। मेरे को उस बैंड की आवाज सुनाई दे रही है जो कि प्लेग्राउंड में पेट्रियोटिक ट्यून्स प्ले कर रहा है, पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति गीत गा रहा है, देशभक्ति ट्यून्स प्ले कर रहा है। तो इसमें भी हमें गिवन पार्ट में अगर कोई एरर है तो वो बताना है, और अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट पे टिक करना है। तो पेट्रियोटिक ट्यून्स पूरा इस पैसेज, ये जो लाइन दी गई है इसके अकॉर्डिंग एकदम सेट बैठ रहा है, एकदम करेक्ट है ग्रामेटिकली, सो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मैनेजर लॉस्ट द लेटर, इसको पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। तो मैनेजर सब्जेक्ट, लॉस्ट वर्ब, द लेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर आगे क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट लॉस्ट पास्ट की घटना है, वॉज लॉस्ट, और किसके द्वारा, बाय, फिर सब्जेक्ट। राइट, सो द लेटर वॉज लॉस्ट बाय द मैनेजर। चलिए देखते हैं, द लेटर वॉज लॉस्ट बाय द मैनेजर, लॉस्ट नहीं होएगा, लॉस्ट होएगा। द लेटर वॉज लूज बाय द मैनेजर, द लेटर वॉज लॉस्ट बाय द मैनेजर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जम्बल्ड फॉर्म में स्टेटमेंट पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हमने रीअरेंज करना है। ठीक है, द अर्लीएस्ट ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ आर क्रिटिकल। किसी भी बच्चे के शुरुआती साल जो होते हैं ग्रोथ के, वो बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज वाई एन एस्टैब्लिशमेंट हैज बीन क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन दीज क्रूशल ईयर्स नोन एज ई डबल सी सी ई।
बोल रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए एक संस्था बनाई गई है बच्चों को, इन बच्चों के इन इम्पॉर्टेंट क्रूशियल ईयर्स को सुरक्षित करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इस संस्था का नाम है ECEE, ठीक है। इट इज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स दैट चिल्ड्रन डेवलप द कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स दैट दे नीड टू सक्सीड इन लाइफ, बोल रहे हैं। ये यही शुरुआती समय होता है, यही शुरुआती साल होते हैं जिसके दौरान बच्चे कॉग्निटिव स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, सोशल स्किल्स और इमोशनल स्किल्स जो है डेवलप करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में सक्सीड करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। दीज ईयर्स डिटरमाइन चाइल्ड सर्वाइवल एंड थ्राइविंग इन लाइफ एंड ले द फाउंडेशन फॉर हर हिज लर्निंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, बोल रहे हैं कि ये जो साल होते हैं ये उनके किस तरीके से वो आगे सर्वाइव करेंगे, किस तरीके से आगे परस्यू करेंगे अपने जीवन में, इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं और यही क्या है, फाउंडेशन करते हैं उस उन बच्चों की, किस तरीके से वो चीज़ें सीखेंगे। अगर सपोज करो कोई किसी ने बात बोली है, उसका पॉजिटिव मीनिंग वो लेते हैं या नेगेटिव मीनिंग लेते हैं, ये सब क्या है, वो शुरुआती सालों में जो उनने सीखा है उसी से आगे पोर्ट्रे होएगा, राइट। तो उनकी लर्निंग किस तरीके की होगी और ओवरऑल डेवलपमेंट उनकी किस तरीके की होगी, ये सब शुरुआती सालों पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है हमारा पी स्टेटमेंट, क्योंकि ये बताता है कि बच्चों के शुरुआती साल जो है बहुत क्रिटिकल है, यानी कि ये बता रहा है कि हम आगे बाद बच्चों के जो एडोलसेंट या फिर टॉडलर एज में जो बच्चे होते हैं हम उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। और उनके शुरुआती सालों में किस तरीके की उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये बताया कि अर्लीस्ट ईयर्स हैं, फिर आता है दीज ईयर्स, यानी कि ये जो अर्लीस्ट ईयर्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं उनकी सर्वाइवल स्किल्स, उनकी थ्राइविंग, किस तरीके से वो लाइफ को परस्यू करेंगे और ये फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड हो गया, थर्ड हो जाता है आर, कि ये इन्हीं शुरुआती सालों की बात है जब बच्चे कॉग्निटिव स्किल्स सीखते हैं और इस तरीके की स्किल्स सीखते हैं, ठीक है। और फोर्थ हो जाता है क्यू, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए PSR पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि एक संस्था बनाई गई ECEE नाम से, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ, तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PSRQ, ओके। सो PSRQ के ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टेटमेंट दिया है पार्ट्स में तोड़ तोड़ के, ठीक है, इसको पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, हमें इन किसी भी पार्ट में अगर एरर है तो वो बताना है। अ विटनेस हैड सीन अ यूथ परहैप्स एज्ड यंग एज 10 और 11 एक्टिंग सस्पिशियसली। अब देखो कि जो विटनेस है उन्होंने एक नौजवान युवक को देखा था, किसी युवा जने को देखा था, पर्सन को देखा था, शायद वो 10 या 11 साल का होगा और वो बड़ा ही सस्पिशियसली बिहेव कर रहा था, ठीक है, संदिग्ध तौर पे बिहेव कर रहा था। तो यहाँ पे जब हम कंपैरेटिव डिग्री बता रहे हैं एज की, कि वो कितने साल का लग रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, एज यंग एज, ठीक है। जब हम कंपैरेटिव कर रहे हैं तो एज यंग एज आएगा, तो एज यंग एज नहीं आएगा, एज्ड यंग एज एज की बजाय क्या आएगा, एज यंग एज 10 और 11, कि लगभग 10 या 11 साल का बच्चा था। नो एरर, अ विटनेस हैड सीन अ यूथ परहैप्स एज्ड यंग एज, ऑप्शन सी में एरर है, एज्ड की बजाय आएगा एज यंग एज 10 और 11, ठीक है। स्टेटमेंट दिया है, इसमें भी एरर फाइंड आउट करना है। आई वोंट बोर यू विद द डिटेल्स बट आई फाइनली फिनिश माय टैक्सेस, बोले मैं तुम्हें ज़्यादा डिटेल्स देकर बोर नहीं करूँगा, लेकिन मैंने अपने टैक्सेस फिनिश कर दिए हैं, फाइनली अंततः मैंने अपने टैक्सेस फिनिश कर दिए हैं। तो क्या मतलब हुआ, वो ख़त्म हो चुका है काम, जब वो उसको बता रहा है, उस व्यक्ति को बता रहा है अपनी डिटेल कि मैंने अपने टैक्सेस फिनिश कर दिए हैं, तो उस टाइम पे उसका टैक्सेस फिनिश हो चुका है, यानी कि पास्ट की घटना हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिश की बजाय आई फाइनली फिनिश्ड, पास्ट की बात है तो क्या होगा, फिनिश्ड माई टैक्सेस। नो इम्प्रूवमेंट, फाइनली फिनिश्ड, फाइनल फिनिशिंग, फाइनली फिनिशिंग, सो ऑप्शन बी फाइनली फिनिश्ड इज करेक्ट। एक वर्ड दिया है इनकोएट, जिसका मतलब होता है अनक्लियर, अनडेवलप्ड या फिर अपूर्ण, ठीक है।
आर्टलेस, आर्टलेस मतलब जिसमें कोई भी एकदम नौसिखिया टाइप का, अनाड़ी टाइप का, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी परफेक्शन के वो कुछ काम कर रहा है, ठीक है, मतलब अनाड़ी, ठीक है. सो वो गया आर्टलेस. रिफाइंड, रिफाइंड मतलब प्रोसेस्ड, ठीक है, अच्छी तरीके से पॉलिश किया हुआ. तो इनकोएट है वो अनक्लियर है, अनफॉर्मल है, अनडेवलप्ड है, अपूर्ण है. और रिफाइंड मतलब प्रोसेस्ड है, पूरी तरीके से कंप्लीट है अपने आप में, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने फाइनल पॉलिशिंग करी हुई है. आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब होता है एकदम क्लियर, राइट. फॉर्मलेस, फॉर्मलेस मतलब जिसकी कोई शेप नहीं है. तो यहाँ पे ऑप्शन रिफाइंड जो है इसका ऑपोजिट बन रहा है इनकोएट का. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, द वायलेशन और प्रोफेनेशन ऑफ एनीथिंग सेक्रेड और हेल्ड सेक्रेड, ठीक है. यानी कि किसी भी चीज को वायलेट करना या अपवित्र करना किसी भी धार्मिक चीज को, ठीक है. फर्स्ट वर्ड है पियस. पियस का मतलब होता है बहुत ही धार्मिक, बहुत ही रिलीजियस व्यक्ति, है ना, जो बहुत ही डिवोटेडली रिलीजियस है, मतलब कि उसका कभी भी कोई नियम टूटता नहीं है. सेक्रामेंटल, सेक्रामेंटल का मतलब होता है जो हमारे संस्कार हैं उनसे रिलेटेड कोई चीज़ हो. जैसे ब्रह्म कुमारीज में भी बहुत ज़्यादा संस्कारों की बात की जाती है, राइट. तो वो संस्कार की, हमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं, हम तुम्हारे बच्चे में अच्छे संस्कार नहीं है, ये तो संस्कारों की बात होती है. तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं सेक्रामेंटल. होली, होली हमें पता है बहुत पवित्र कोई चीज़ हो. और सेक्रिलेज, सेक्रिलेज मतलब कि किसी चीज़ का किसी चीज़ को अपवित्र करना, किसी चीज़ जिसको धार्मिक माना जाता है या धार्मिक कोई चीज़ है उसको अपवित्र करना. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. चेक ऑल रेडिएटर्स फॉर मीगर लीक्स, स्पेशल राउंड पाइप वर्क कनेक्शंस. तो यहाँ पे स्पेशल राउंड पाइप वर्क नहीं आएगा, क्या आएगा, स्पेशली. स्पेशली मतलब खास तौर पे, जहाँ पे राउंड पाइप वर्क कनेक्शंस हैं वहाँ पे छोटे से छोटे लीक के लिए भी आप ढूंढो. आप रेडिएटर को चेक करो कि कहीं छोटा सा छोटा लीक भी ना मिले आपको, ठीक है, छोटा सा बारीक सा लीक भी नहीं होना चाहिए. तो ऑप्शन ए है स्मॉल लीक्स स्पेशली, बिल्कुल करेक्ट है. मॉडेस्ट मतलब थोड़ा सा, मॉडेस्ट बीच का, तो ये गलत हो जाता है. क्रैम्प भी मतलब होता है छोटा, छोटे लीक्स, और स्पेशली. सो ऑप्शन ए यहाँ पे स्मॉल करेक्ट है. डेविड ऑलवेज केप्ट हिज डैश ओपन फॉर एनीथिंग दैट माइट पुट देम एट रिस्क. डेविड हमेशा अपनी आंखें जो है, कैसी आंखें, गिद्ध की आंखें खुली रखता था ताकि वो किसी भी चीज के ऊपर नजर रख सके जो उनको रिस्क में डाल दे. ऐसी किसी भी चीज की पहले ही उसको जानकारी हो जाए. तो क्या होता है, अपनी गिद्ध की आंखें खुली रखो, यानी कि कोई व्यक्ति है जो बारीक से बारीक चीज को पकड़ लेता है उसको बोला जाता है ना कि उसकी आंखें बहुत गिद्ध की हैं, वो बहुत डिटेल से चेक कर लेता है हर चीज को. सो ब्लैक आय, काली आंखें, स्टेरी आय, घूरने वाली आंखें, ईगल आय, गिद्ध की आंखें जो कि बहुत बारीकी से किसी भी चीज को पकड़ लेती हूं, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एट्यून, अब ये वर्ड दिया है एट्यून, इससे क्लोजेस्ट इसका सिनोनिम बताना है हमने. एट्यून का मतलब होता है एडजस्ट करना. जैसे आप ट्यूनिंग करते हो ना, रेडियो की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, उसको एडजस्ट कर रहे हैं, नॉब को इधर या इधर घुमा के उसको क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं. तो ट्यून मतलब एडजस्ट करना, उसके अनुकूल करना. एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब होता है किसी चीज को अडैप्ट करना, अपनाना, एब्जॉर्ब करना. स्क्यू, स्क्यू मतलब होता है किसी चीज को ट्विस्ट करना या फिर तिरछा करना, टेढ़ा करना. एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज का मतलब होता है अलग करना. और डिस्टरप्ट, डिस्टरप्ट का मतलब होता है किसी चीज में विघन डालना, इंटरप्ट करना. सो यहाँ पे ऑप्शन ए एसिमिलेट इज करेक्ट, क्योंकि इसका मतलब भी होता है एडजस्ट करना. रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढ के निकालना है. सबसे पहले है इनोक्यूस. इनोक्यूस का मतलब होता है नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, ठीक है, यानी कि कोई चीज जो हार्मफुल नहीं है. इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है, वैसे ये इंजीनियस नहीं होता, इसकी स्पेलिंग गलत है, इंजीनियस होता है NIOUS, इंजीनियस, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्लेवर, चतुर, क्रिएटिव, ठीक है. तो वो हो गया इंजीनियस, INGENIOUS, इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. निमिकल, निमिकल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल,
ठीक है, और इनवल्नरेबल होता है कोई चीज जो इम्पॉसिबल है जिसको डैमेज करना या हार्म करना, जैसे कि टाइटैनिक शिप के लिए कहा जाता था इट इज इनसिंकेबल, तो वो क्या है माना जाता था, वो इनवल्नरेबल है, उसको डैमेज करना पॉसिबल नहीं है। एंटोनिम बताना है बैबल का, बैबल मतलब बहुत तेजी से कोई चीज बोल रहे हैं जो कि क्लियर नहीं है, ठीक है, यानी कि आप सिर्फ बड़बड़ा रहे हैं या बकवास टाइप कर रहे हैं आपकी बातें, आप बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कुछ बोल रहे हैं बट वो रेलेवेंट नहीं है। ओके, ड्रिवल, ड्रिवल का मतलब होता है बकवास करना, ठीक है, मीनिंगलेस बातें, नॉनसेंस, रबिश। सेंस मतलब कि कोई सेंसिबल बात करना। जार्गन, जार्गन होता है शब्द जाल, ठीक है, और गिबरिश, गिबरिश जो बच्चों की भाषा को बोलते हैं ना, इन हिज गिबरिश मतलब कि अस्पष्ट भाषा, जैसे बच्चे बात करते हैं उनको बोला जाता है गिबरिश में कुछ बोल रहे हैं, अत्ता पत्ता कुछ ना कुछ बच्चे बोलते रहते हैं ना, उसको बोला जाता है गिबरिश, ठीक है, यानी कि वो अस्पष्ट है, वो अपनी तरफ से तो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं बट हमें वो क्लियर नहीं है वर्ड्स क्या बोल रहे हैं वो। सो इसका एंटोनिम क्या होगा बैबल का, सेंसिबल कोई बात, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रीअरेंज करना है ऑप्शन ए जो है फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसी के आगे हमने बाकी स्टेटमेंट्स अरेंज करने हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। इट कुड बी बिकम अ बायवर्ड फॉर सुपर ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि ये एक बायवर्ड बन सकता है, जैसे कि हम COVID-19 के दौरान पे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने जितना बेहतर काम किया था तो उनको फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड का नाम दे दिया, तो वो क्या हो गया बायवर्ड हो गया, उसका बाय नेम हो गया, सब नेम हो गया, ठीक है, तो उपनाम जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो सुपर ह्यूमन अगर किसी में इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं तो उनके लिए एक बायवर्ड बन चुका है ये, ठीक है। आर्ग्यूड दैट 1919 वॉज द ईयर व्हेन आइंस्टीन्स नेम, बोल रहे हैं ये बोला जा सकता है कि 1919 ही वो साल था जब आइंस्टीन का नाम, आइंस्टीन आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत प्रख्यात साइंटिस्ट थे, बहुत ही जाने माने, बहुत सारी चीजों ने इन्वेंट डिस्कवर करी हैं, ठीक है, तो उनका नाम जो है मेकिंग पॉसिबल द स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ, कि इनकी वजह से जो छोटी इंडस्ट्री है वो पॉसिबल हो पाई, किस चीज की, आइंस्टीन थीम्ड मर्चेंडाइज दैट स्टिल एग्जिस्ट टुडे, कि आइंस्टीन की थीम की मर्चेंडाइज, कपड़े, खिलौने, टॉयज, ये सब बनाने वाली इंडस्ट्री एक एस्टेब्लिश हो पाई जो कि आज तक भी चालू है, जारी है, तो बोल रहे इट कुड बी, ये कहा जा सकता है कि argued that 1919 was the year when Einstein's name became a byword for superhuman intellectual ability, making possible the small industry of Einstein-themed merchandise that still exists today. ठीक है? So A के बाद क्या आएगा? Q, फिर आएगा P, R, S. So Q, P, R, S हमारा correct option है. Option A is correct. Q, P, R, S. idiom दिया गया है, उसका मीनिंग हमने बताना है, ऑल बार्क एंड नो बाइट, यानी कि सिविल केवल भौंक रहा है, काटने बोलते ना भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है या फिर गरजने वाले बरसते नहीं है, मतलब क्या है कि आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले सकते, आप केवल बातें ही बातों में टालने वाले हैं, आप सिर्फ बड़ी बड़ी हांकने वाले हैं, करने वाले कुछ नहीं है। सो Someone who stick to his words, तो वो तो ये नहीं हो सकता जो अपने शब्दों के ऊपर खरा उतरे, जो बोला है वही करे, वो तो ये नहीं बना रहा, ठीक है, गलत हो गया। Actions are stronger than mere words, कि शब्दों के बजाय करके दिखाता है कोई व्यक्ति, बोलता नहीं है, सिर्फ केवल डायरेक्ट एक्शन करके दिखाता है, ठीक है, मैंने बोला नहीं कि मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा, मैंने कर दिया यूपीएससी क्लियर, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, सो वो भी ये नहीं बन रहा। Not being able to understand anything, कि जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वो भी ये नहीं बन रहा। Full of talk but low on action, कि बातें तो खूब बड़ी बड़ी हांक ली लेकिन काम करने के बारे में zero, so option D is correct. Leisure का मतलब होता है जो आपका leisure time होता है, आराम का time, spare time, खाली बच गया time, उसको बोला जाता है leisure, ठीक है। अब इसका हमें ऑपोजिट वर्ड निकालना है, रिटायर भी आपका एक किस्म से लेजर टाइम ही होगा, जब आप रिटायर हो गए तो आप क्या कर रहे हैं, घर पे रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। वर्शिप आप खाली समय में ही पूजा पाठ करते हैं, जिस टाइम पे आप काम कर रहे हो उस टाइम पे तो आप पूजा पाठ करते नहीं, ठीक है। वर्क, रिटायर हो गया, लेजर है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, आपके पास काम है तो आप काम कर रहे हैं, तो वर्क क्या हो गया, उसका ऑपोजिट हो गया।
प्ले प्ले खेलता कब है बच्चा? जब अपना होमवर्क कर लिया, सारा काम कर लिया, स्कूल का, घर का, मम्मा ने पढ़ा भी लिया, पिटाई भी खा ली, उसके बाद खेलने चले गए, ठीक है? सो वो भी एक लेजर का ही पार्ट हो गया। सो यानी कि केवल वर्क है जो आप अपने लेजर टाइम में नहीं करते हैं। एक फ्रेज दिया है अपील टू सीजर, इसका मीनिंग हमने एक्सप्लेन करना है। अपील टू सीजर, जूलियस सीजर कौन थे? रोम के राजा थे, ठीक है? अगर आप राजा के पास कोई बात कर रहे हैं, यानी कि आप हाईएस्ट अथॉरिटी के बाद अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे क्या हो गया, एन अथॉरिटी गिवन टू अ फूलिश पर्सन, कि एक बेवकूफ इंसान को अपनी अथॉरिटी दे अधिकार मिल जाना, सो ये गलत है। टू एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन, किसी गलत व्यक्ति से अच्छाई की उम्मीद करना, ये भी गलत है। टू लिव इन अ फॉल्स रियलिटी, एक सपनों की दुनिया में जीना, एक गलत दुनिया में जी रहे हैं, गलत विचारधारा लेके या गलत सच्चाई जान के चल रहे हैं। अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, की सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाना, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर सबका ध्यान हो। एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब होता है जो कि सब्जेक्टेड हो किसी तरीके के अटेंशन से, जैसे कि हमारा बॉडी जो है वो एक्सपोज्ड है सन के लिए, इफ वी आर नॉट वेयरिंग फुल स्लीव्स क्लोथ, तो हमारी आर्म्स क्या है, एक्सपोज्ड है, मतलब उसके ऊपर सन की सीधी किरणें पड़ेंगी, सो एक्सपोज हो रहा है मतलब बाहर दिखाई दे रहा है। साइनोश्योर का मतलब होता है वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कॉमिश्योर, कॉमिश्योर का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जहां पे दो एलिमेंट्स मिलते हैं या जुड़ते हैं, ठीक है। सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा हो, जिसकी बहुत ज्यादा निंदा की जा रही हो, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी साइनोश्योर इज करेक्ट। राहुल आस्क मी आर वी गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो राहुल ने मुझसे पूछा, राहुल आस्क मी दैट, अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होएगा, इफ वी, अब आर वी गोइंग, तो इफ वी वर, आर का क्या हो जाएगा, वर गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर, ठीक है? तो राहुल ने मुझसे पूछा क्या हम अगले महीने, अगले साल न्यूयॉर्क जाएंगे। सो राहुल आस्क्ड दैट वी आर गोइंग, आर वी गोइंग टू न्यूयॉर्क, ये गलत है। राहुल आस्क्ड मी दैट वर वी गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर, तो अगर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आगे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, ये भी गलत है। राहुल आस्क मी दैट वुड वी गो टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर, ये भी गलत है। राहुल आस्क मी इफ वी वर गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढ के निकालना है। फर्स्ट है गौश, गौश का मतलब होता है भद्दा, ऑकवर्ड, ठीक है, जो कि सही नहीं, सामाजिक तौर पर अच्छा नहीं लगता। फैलेशियस, फैलेशियस का मतलब होता है कि बहुत मिथ्या वाला या फिर कुछ एक ऐसा गलत बिलीव जिसको आप मान के चल रहे हैं, मतलब आप उस बिलीव के साथ में जी रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो है असल सत्य नहीं है वो। रिडाइट, रिडाइट का मतलब होता है विद्वान कोई व्यक्ति, ठीक है। और हरांच, हरांच का मतलब होता है भाषण, ठीक है, और इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज H A R A N G U E, हरांच, ठीक है। सो यानी कि हमारा ऑप्शन D इज इनकरेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन है, डेटा डैश द पायनियर स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा अपेरेंटली प्रूव द थ्योरी दैट द हाई सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस इज डैश। बोल रहे हैं डेटा कहाँ से मिला होगा, डेटा फ्रॉम द पायनियर स्पेसक्राफ्ट, पायनियर स्पेसक्राफ्ट है एक नासा का, उससे हमें डेटा जो मिला वो हमारी जो थ्योरी है कि हाई सरफेस टेम्परेचर है वीनस पे, वीनस एक ग्रह है उसके ऊपर हाई सरफेस टेम्परेचर है, इस थ्योरी को क्या करता है, प्रूव करता है, ठीक है। इज डैश टू एन एस्ट्रोनॉमिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड मेनली बाय अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, ये किसके कारण है, ड्यू टू आ रहा है, तो ड्यू टू एन एटमोस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड मेनली बाय ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर की वजह से, एक तह की वजह से, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। सच अ ग्रीन हाउस डैश, अब ये क्या है, सच अ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इजिली पासिस थ्रू अ प्लैनेट्स एटमोस्फेयर वार्म्स इट डैश
एंड इज कन्वर्टेड टू हीट रेडिएशन दैट इज देन हेल्ड इन बाय द एटमोस्फेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बोल रहे हैं ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट तभी होता है जब एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में पेनिट्रेट कर जाती है प्लैनेट के एटमोस्फेयर में, पास कर जाती है और उसके बाद किसी चीज को वार्म करती है. किस चीज को वार्म करती है, या तो एटमोस्फेयर को या फिर उसकी सतह को, धरती उसकी जमीन की सतह को. एंड इज कन्वर्टेड टू हीट, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट रेडिएशन में. दैट इज देन हेल्ड इन बाय दी, और जो कि बाद में एटमोस्फेयर में अटक जाती है, फंस जाती है, जकड़ ली जाती है टॉप से लेके बॉटम. वीनस हैज अ रिलेटिवली थिन एटमोस्फेयर लाइक द अर्थ, बट वीनस एटमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 90% कार्बन डाइऑक्साइड. बोल रहे हैं वीनस का जो एटमोस्फेयर है वो थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली अर्थ के जैसा ही है, लेकिन वीनस के एटमॉस्फेयर में 90% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है कंपेयर टू लेस देन, जो कि किसकी तुलना में. अब यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ हो रहा था, अर्थ के साथ में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी अर्थ से होगा. सो जो कि अर्थ की तुलना में, अर्थ में कितना है, 4% से भी कम है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4% से कम है और वीनस में 90% से भी ऊपर है. ठीक है, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन बता दिया लास्ट में. चलिए फर्स्ट देखते हैं डेटा. अब किससे मिला है डेटा, कौन सा डेटा, द पायनियर स्पेसक्राफ्ट, ऑन द पायनियर, जो कि पायनियर स्पेसक्राफ्ट के ऊपर जो डेटा है वो उसकी बात कर रहे हैं. अक्रॉस यानी कि पायनियर स्पेसक्राफ्ट में जहां कहीं भी अक्रॉस उसके पूरे पायनियर स्पेसक्राफ्ट के अंदर ये डेटा है. फ्रॉम, हमें जो पायनियर स्पेसक्राफ्ट से डेटा मिला है हम उसकी बात करें, सो ऑप्शन डी सी फ्रॉम इज करेक्ट. फ्रॉम द पायनियर स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा अपेरेंटली प्रूव द थ्योरी दैट हाई सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस इज डैश टू, तो इज अंडरस्टूड टू एन एटमोस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट. बिकॉज टू, कॉज टू, या ड्यू टू, ऑप्शन ए ड्यू टू इज करेक्ट. सच अ ग्रीन हाउस डैश, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं. सो सच अ ग्रीन हाउस, ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट, सो ऑप्शन डी इफेक्ट इज करेक्ट. इज क्रिएटेड, वो तभी बनता है जब सनलाइट पेनिट्रेट कर जाती है एटमोसफेयर पे, प्लैनेट के एटमोसफेयर पे, और वॉर्म्स इट, वॉर्म्स इट्स उसकी केस को गर्म कर देती है, सरफेस को, सतह को, वॉल्स. प्लैनेट के ऊपर वॉल्स तो नहीं होती, ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. एटमॉस्फेयर पॉसिबल है कि एटमॉस्फेयर को गर्म कर दे और फिर एटमॉस्फेयर में ही फंस जाए, बट यूजुअली क्या होता है, ये जैसे प्लैनेट है और इसके ऊपर इसका एटमॉस्फेयर की परत है, सनलाइट जब इससे निकलती है, पास हो जाती है, यूजुअली एटमॉस्फेयर बना होता है कि यूवी रेज को और हीटिंग रेज को रेडिएट करता है, लेकिन जब वो पास हो जाती हैं तो वो सतह को क्या करती हैं, तेजी से गर्म करती हैं और फिर इसी में ट्रैप हो जाती हैं और पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म करती है. इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर हर साल 1 to 2 degrees बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, तो वो सतह को करती हैं गर्म, तो किसको करेंगी, सरफेस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. वीनस हैज रिलेटिवली अ थिन एटमॉस्फेयर लाइक द अर्थ, बट वीनस एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 90% कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर टू लेस देन 4% इन दैट ऑफ द कौन, किससे साथ में कंपेरिजन किया जा रहा है, प्लूटो के साथ में, नहीं ना, मार्स, नो, अर्थ, ऑप्शन सी अर्थ इज करेक्ट. सो आज के सेशन में इतना ही. इस सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और क्विज फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा अवेलेबल, हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है सारा का सारा कंटेंट, दोनों चीज़ों का लिंक, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक और ऐप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.